सहजनवा पुलिस ने चोरी की 10 रसोई गैस सिलेंडरों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरी की इन सिलेंडरों में 4 कमर्शियल तथा 6 घरेलू सिलेंडर शामिल है। गिरफ्तार चोरों की पहचान बस्ती जनपद के थाना परशुरामपुर निवासी सत्य प्रकाश पुत्र राम नरेश, मोहम्मद सलीम पुत्र अजीमुल्ला, सलमान पुत्र यासीन के रूप में हुई है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए ASP रोहन बोत्रे ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सहजनवा स्थित एक गैस कंपनी के ट्रक ड्राइवर है और उसी ट्रक से इन लोगों ने सिलेंडर चोरी किए थे और उसे बेचने ले जा रहे थे। तभी पुलिस ने भीटी रावत चौराहे से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ASP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। एकदम सिंगम ये देखिएगा। अरे वन्ना बोलेगा सर, बस वही कुछ दिन से ये जो सिलेंडर चोरी वाली चीज़ें कुछ बातें हैं ये बाहर आ रही थी। एक ट्रक के मालिक है अजीज़ुल हक, बॉम्बे के रहने वाले हैं। इनका ट्रक यहाँ पे ये करता है जो सिलेंडर का लेके जाना, गीड़ा का जो HP प्लांट है वहाँ से करता है। इनको कुछ दिन से ऐसा संदेह हो रहा था कि उनके ट्रक चोरी हो रहे थे, तो इसमें शायद हो सकता है कि ड्राइवर का इसमें हाथ हो। तो इन्होंने इनके केयर टेकर हैं सहरे आजम, उनको इन्होंने बताया कि आज सुबह आप जाओ और HP के जो प्लांट है वहाँ पे अपना ट्रक खड़ा है, वहाँ पे जाके पता करो कि कितने सिलेंडर अभी मौजूद है। उन्होंने उनका नंबर बता के रखा था कि इतने मौजूद होने चाहिए। तो वो गए तो उनको करीबन 10 सिलेंडर कम नज़र आए। तो उन्होंने आसपास जब उन्होंने पूछताछ की तो उनको पता चला कि ड्राइवर जो है, ड्राइवर का नाम है सत्य प्रकाश पुत्र राम नरेश, उसके 2 साथियों के साथ एक स्कॉर्पियो से 10 सिलेंडर उसमें लाद के वो निकल गया है। उसमें शायद 4 सिलेंडर कमर्शियल यूज़ के 4 सिलेंडर है, 3 से 6 सिलेंडर जो है ये घरेलू यूज़ के हैं। तो जैसे ही पता चला पुलिस को, तो उनकी हमारी टीम जो है सत्य प्रकाश जी के नेतृत्व में ये टीम गई थी और भीटी रावत चौराहे पे इनको पकड़ लिया गया था। एक स्कॉर्पियो है, नंबर है उसका UP 51Z7447 और ट्रक का नंबर है UP 58T9899। स्कॉर्पियो भी चोरी की? स्कॉर्पियो अभी तक पूछताछ चल रही है, तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि चोरी की। इसमें अभी तक टोटल 3 अभियुक्त है, सत्य प्रकाश, सलीम और सलमान। ये भी पूछताछ का विषय है, पर मुझे लगता है कि काफ़ी दिन से ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। कभी 1 सिलेंडर, कभी 4 सिलेंडर और कमर्शियल यूज़, घरेलू यूज़ दोनों के सिलेंडर ये लोग ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं।